दोस्तों अभी मैं करमचंद डैम के पास है, एक पहाड़ है, एक पड़ता है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ जाने के लिए यहाँ पे एंट्री कराना पड़ता है। जैसे गाड़ी नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, नेम, अभी दोस्तों मैं भी एंट्री करवा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। दोस्तों आप भी आइएगा तो यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ेगा, तभी आगे जाइएगा वो मंदिर के पास। चलिए दोस्तों, दोस्तों अभी आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कैमरा देख के, एक पुलिस भैया काफ़ी घबरा गए, वो एक बैग डर गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर वो टोपी उपी पहनने लगे जल्दी से। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये रोहतास सासाराम में करमचंद यहाँ पे बोटिंग किए थे। यहाँ पे बगल में एक पहाड़ के साइड से रास्ता है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे गाड़ी नंबर ये सब एड्रेस उड्रेस लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखना पड़ता है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भैया लोग मिल गए, इनसे बात करके काफी अच्छा लगा। भैया आपका क्या नाम है, अपना नाम बता दीजिए। हाय बोल दीजिए। दुर्गेश कुमार। हाय, मेरा दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार है, आपका यहाँ पे ड्यूटी रहता है? हाँ। यहाँ पे रहता है एक भैया, यहाँ भी है, ये भी भैया, इनसे भी बात करके काफी अच्छा लगा। क्या नाम है भैया, अपना नाम बताए? परवेश कुमार। परवेश कुमार, आपका भी यहीं पे ड्यूटी है? हाँ, यहीं पर। चलिए यहाँ से एंट्री करने के लिए, इधर जाने के लिए है ना, एंट्री करना पड़ता है गाड़ी नंबर। चलिए यहाँ पे बोटिंग किए थे, यहाँ का व्यू देखिए काफी अच्छा व्यू है। चलिए यहाँ का देखिए व्यू काफी अच्छा है, यहाँ से बोटिंग किए थे, इधर हम लोग को जा रहे हैं इधर एंट्री करने के लिए। यहाँ पे नाम उम पता होता है, गाड़ी नंबर लिखना पड़ता है। चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं वीडियो। दोस्तों अभी हम पहाड़ के बगल में मंदिर है, ये रास्ता है, इसमें जा रहे थे तो यहाँ मेरे साथ कुछ इशू हो गया। मेरे साथ पुलिस वाले भैया मेरा कैमरा रोक लिए, वो बोले कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो कैमरा छीन लिया जाएगा, इसलिए आज कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। कि कुछ ऑफिसर लोग आए हुए हैं, एसपी डीएम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, इसलिए दोस्तों नहीं अलाउ। बोटिंग करने के आए थे करमचंद, ये सासाराम रोहतास में पड़ता है, यहाँ पे एक ढाबा मिला पहाड़ी के पास है, तो यहाँ पे कुछ नाश्ता उस्ता कर रहे हैं, समोसा वोसा और जलेबी उलेबी, यहाँ पे गाजा उजा है, पानी का बोतल ये सब पी के फिर हमको पहाड़ पे ऊपर जाना हुआ। दिखा दो उधर का पहाड़ का ऊंचा जाना हुआ। भैया को दिखा दो, भैया का ढाबा हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ढाबा पे अभी नाश्ता कर रहे थे, ये करमचंद के पास ही है ढाबा। यहाँ पे कुछ भैया लोग मिल गए, ये भी यूट्यूबर भैया है। भैया आपका क्या नाम हुआ बता दीजिए। भाई द अननोन आर्टिस्ट है। हाय बोल दीजिए। तो हाय भाई, अपन लोग दोनों शूट करने आए थे और भाई यहाँ पे मिला, भाई से मिलकर अच्छा लगा। तो भाई के चैनल को भी प्यार दिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी प्यार दीजिए, द अननोन आर्टिस्ट को। इनसे भी ये बड़े भैया हुए, आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक यादव। चलिए भैया, भैया से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे यूट्यूबर मिलते तो लगता है कि अपने भाई लोग मिलते हैं, फैमिली मिलते हैं। चलिए यहाँ पे आगे का वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने। दोस्तों अभी हम लोग करमचंद में आए हुए हैं, यहाँ पर पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो यहाँ पे कुछ बच्चे लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग घूमने के लिए पहाड़ पर से ये लोग वापस आ रहे हैं घूम के। ये कोचिंग के बच्चे हैं, यहाँ पे भैया मिले हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ आप बताइए? आयुष कुमार। आयुष कुमार, कहाँ से आए हुए भैया इन लोग को लेके? आप टीचर हुए? भगवानपुर। कौन भगवानपुर? भगवानपुर राय। भगवानपुर? नहीं नहीं, भगवान। और भगवा भगवानपुर से आए हो? यहाँ पे बच्चा लोग है, सब एक बार जोर से हाय बोल दो। सब बोल दो, कैसा लगा तुम लोग को पहाड़ पे घूम के? कितना देर लगा? बोटिंग किए हो ना तुम लोग? पहाड़ पे घूमे हो ना? अच्छा लगा ना? अच्छा मजा आया ना? फील किए ना? थक गए भी? पता है कितना सीढ़ी है? 700 सीढ़ी चढ़ना था, चढ़े तुम लोग 700 सीढ़ी। देखिये यहाँ पे एक ये भी है, अंकल मिले। अंकल आपका क्या नाम हुआ? उपेंद्र पाल। चलिए यहाँ पे बच्चा लोग एक बार फिर से बाय बोल दो सब। चलिए यहाँ पे आगे का व्यू दिखाते और वीडियो के पहाड़ पे आए हुए थे करमचंद के पास, बोटिंग भी किया, यहाँ पे पहाड़ पे ऊपर जाना है। तो यहाँ पे अंकल जी बोल रहे कि टिकट का चार्ज लगेगा, पहले तो नहीं था, जितने भी यूट्यूबर आए वो बताए थे कि टिकट यहाँ पे नहीं लगता। हम आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे जनवरी से ना, इस बार 1 जनवरी 2022 से लागू, 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे टिकट लग रहा है। अंकल जी बोल रहे हैं, अंकल जी आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार पांडे हुआ। ये वन विभाग में इनका जॉब है, सर्विस करते हैं यहाँ पे। आप कब से सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? लगभग 3 साल से। 3 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग कभी भी आइएगा करमचंद में तो यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो टिकट कॉस्ट है 20 रुपया टिकट कॉस्ट है। यहाँ पे दिखा दीजिए टिकट दिखा दीजिए तो किस टाइप का टिकट कटता दिखाइए। तो यहाँ पे भैया भी कटवाए, दिखा दो अंकल का टिकट कटवाए। इधर दिखाओ टिकट ये है, यहाँ भी देख लीजिए डायरी, यहाँ से टिकट कटता। हम लोग भी टिकट कटवाएंगे तब ऊपर जाएंगे। कोई भी आइएगा पहले टिकट कटवा के ही से लेकर कहाँ में रोड खराब सब बता के जाइए। दोस्तों देखिए यहाँ पे टिकट ले लिए पहाड़ पे जाने के लिए करमचंद के पास है।
यहाँ पर है, ये अंकल मिले ये वन विभाग से, इनसे बात करके काफी अच्छा लगा। अंकल हेलो बोल दीजिए। हेलो, देखिए अंकल भी यहाँ पे, अंकल टिकट काटते हैं यहाँ पे, 3 साल से यहाँ पे अंकल का ड्यूटी पड़ा हुआ है, वन विभाग में जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। और यहाँ पे ये पिछले बार 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे टिकट लगने का, टिकट का कॉस्ट पर पर्सन 20 रुपया है। चलिए आपको आगे का व्यू दिखाते हैं और इंजॉय कराते हैं। दोस्तों अभी फाइनली पहाड़ पे चढ़ गए, ये भी पूरा ऊपर हाइट पे नहीं चढ़े, अभी आधा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए नीचे का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा, काफ़ी डर भी लग रहा, वो बहुत ऊंचा हाइट पे आ गए, नीचे का हर चीज़ एकदम छोटा छोटा लग रहा, मतलब काफ़ी ऊंचा हाइट पे आ गए हैं। दोस्तों अभी तो आधा पहाड़ पे चढ़े, इससे भी ऊपर अभी हाइट पे जाना। दोस्तों यहाँ पे देखिए सुरंग सब है, एक से एक गुफा सुरंग यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। दोस्तों यह देखिए ये भी एक सुरंग है। दोस्तों 470 साल पुराने इस रहस्यमय किलों में से सैकड़ों सुरंगों और तहखाने हैं, यहाँ जाने से डरते हैं लोग। बताया जाता है कि ये किला सन 1540 से लेकर 1545 के बीच बना है। यहाँ सैकड़ों सुरंगों को इसलिए बनाया गया था कि ताकि मुसीबत के समय सुरक्षित बाहर निकल जा सके। कहते हैं कि इन सुरंगों का राजा सिर्फ शेर शाह सूरी और उनके भरोसेमंद सैनिक को ही पता था। इस किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगों कहा जाती है कि ये किसी को नहीं पता है। दुनिया में ऐसे कई किला हैं जो अपने आप को आप में कई रहस्य समेटे हुए, एक ऐसा ही किला है बिहार के रोहतास जिले में भी है, जिसे शेर शाह का किला कहते हैं। अफगान शासक शेर शाह सूरी के इस किले में सैकड़ों सुरंग और तखाने हैं। भैया लोग जी, भैया कैसा लगा, फील मिला, कितना देर लगा, अच्छा जगह है कि नहीं? वो आधा घंटा का रास्ता है, अच्छा जगह ना, घूम लिए पूरा बढ़िया से, लोग दिखाई दे रहा है। कौन है? कौन है भाई? देखो भाई इंग्लैंड से आया हुआ भाई मेरा, इसका वीडियो ले लो। लुक घासू लुक है भाई का, पूरा इंग्लैंड से आया हुआ है यार। यार बोले इंग्लैंड से आया हुआ है भाई, जो मोटा। दोस्तों आप लोग को तो दिख रहा होगा यहाँ पे इस पहाड़ में काफी घना जंगल है, ऊंचा हाइट पे भी है, मतलब काफी दूर में ये पहाड़ है, आप चलते चलते थक जाएगा, एकदम हालत खराब हो जाएगा। दोस्तों तो यहाँ कोई भी आता है तो अपना रिक्स पे आता है, अपना रिक्स कवर करना पड़ता है। दोस्तों काफी घना जंगल है। दोस्तों तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए आप लोग। दोस्तों ये शेरगढ़ का किला सासाराम रोहतास जिला बिहार में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों आप लोग भी घूमने आएगा तो कम से कम 4-5 बंदे के साथ आइएगा। दोस्तों कि यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी मतलब जानवर भी रहते हैं, जैसे शेर उर या कुछ भी जानवर रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर छीन छान भी होता है, इसलिए कभी भी आइएगा दोस्तों 4-5 बंदे से कम नहीं आइएगा। दोस्तों
दोस्तों अपने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। दोस्तों मैं भी लोग आया हूँ तो काफ़ी दस बंदे के साथ आया हूँ दोस्तों, काफ़ी ऐसे तो डर भी लग रहा है। काफ़ी घना जंगल है दोस्तों, यहाँ पे गुफा एक से गुफा भी है दोस्तों, उसमें गुफा में भी मैं दिखाऊंगा रिस्क कवर करके। चलिए दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आगे का व्यू देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे। दोस्तों शेर शाह सूरी के इस किले में सैकड़ों सुरंग और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुरंगों कहाँ खुलती है इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। अब कैमूर की पहाड़ियों में मौजूद इस किले की बनावट दूसरों किले से बिल्कुल अलग है। ये इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से ये किला किसी को भी नहीं दिखता है। किला तीन तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, जबकि इसके एक तरफ दुर्गावती नदी है। दोस्तों किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है। कहते हैं कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो किला किसी को दिखाई भी नहीं देगा। ये बने तहखाने के बारे में कहा जाता है कि ये इतने बड़े हैं, इसमें एक साथ 10,000 लोग आ सकते हैं। कहाँ है बंदर? रुक रुक रुक, पेड़ पे कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, चला गया ओ सो। दोस्तों कहते हैं कि इस किले को शेर सासुरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था। वो अपने परिवार और सैनिक के साथ यहीं पर रहते थे, यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर तमाम तरह की सुविधा मौजूद थी। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि हर दिशा में अगर दुश्मन 10 किलोमीटर दूर भी रहे तो उसे आते ही साफ साफ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस किले में मुगलों ने शेर शाह सूरी, उनके परिवार और हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों कहते हैं कि इस किले में शेर शाह का बेशक कीमती खजाना भी कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। किले में सुरंगों और तहखानों का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि लोग अंदर जाने से भी डरते। दोस्तों फाइनली हम लोग मेन किला पर पहुंचने वाले, लगभग पहुंच ही गए हैं। दोस्तों ये मेन किला हुआ दोस्तों, शेरगढ़ का मेन किला ये हुआ दोस्तों। ये तो किला काफ़ी झरखंडी हो गया दोस्तों, इसके अंदर ग्राउंड किला भी है दोस्तों। मैं आपको अंदर ग्राउंड भी जाऊंगा दिखाऊंगा, ऐसे तो अंदर ग्राउंड जाने के लिए यहाँ मौना है, तब भी मैं रिस्क कवर करके दोस्तों आप लोग के लिए अंदर ग्राउंड दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा, पूरा झरखंडी हो गया हुआ दोस्तों यहाँ किला। राजा का वास है, जो कि यहाँ पे शेर शाह का वास से रह रहे थे और ये बस्ती के लिए छोड़ा गया था। और इसके जिस पर हम लोग चल रहे हैं इस पर सैनिक लोग रहते थे। और इसके जो नीचे है इसका कटिंग देखिए कितना अच्छा अच्छा किया गया है। और इसके नीचे देखिए, इसके नीचे जो है इसके नीचे वो रहता था शेर शाह। कितना अच्छा डिजाइन, यहाँ
यहाँ पर ये किला है, ये मुगल के जमाने का किला है, काफी पुराना किला है, इसका पूरा मेंटेनेंस करता तो ऐसा हाल नहीं होता। इसलिए बिहार गवर्नमेंट से मतलब यहाँ से अपील करेंगे कि इसको मेंटेनेंस कराता तो काफी अच्छा रहता ये किला। ये हमारे बगल में देख रहे हैं पहाड़ है यहाँ पे, अभी देखिए अभी शाम का वक्त है, अभी 3:30 हो रहा है, अभी ये पूरा मतलब कुहासा घेर रहा है, यहाँ पे पानी है, नदी है, आप लोग व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पे सूरज का भी रोशनी है, यहाँ पर देखिए पूरा जंगल ही जंगल, सॉरी पूरा पहाड़ ही है, पहाड़ है पूरा, यहाँ पे जंगल भी है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए तो हम लोग काफी ऊंचे हाइट पे आए हुए हैं, पहाड़ का व्यू देखिए, पहाड़ तो पूरा यहाँ पे मेंटेनेंस के कारण से नहीं, कारण रहने से पूरा झरखंडी हो गया हुआ, यहाँ पे का पहाड़ का व्यू देखिए काफी अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पर हम लोग काफी थक चुके हैं, इसलिए वीडियो में बोल नहीं पा रहे, पूरा एकदम सुबह से हालत खराब हो गया, काफी थक चुके, आप लोग को बता नहीं सकते, मगर एक बार आप लोग भी जरूर आइए, काफी व्यू अच्छा है यहाँ का, एंजॉय करने को मिलेगा, आप भी जरूर आइए सासाराम, सॉरी रोहतास, सासाराम में करमचंड में आइए एक बार, बोटिंग कीजिए और पहाड़ पे का किला देखिए, काफी एंजॉय करने को मिलेगा, काफी अच्छा व्यू आया। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आगे का व्यू देखा। तो टाइम हो गया सबका बैठने का, दोस्तों देखिए यहाँ पे बंदर है काफी, हनुमान जी है ऐसे बोलते हैं बंदर को। दोस्तों इधर से गए तो नहीं था, उधर से लौट रहे हैं, तो अभी 5 बज रहा है, तो शाम का वक्त है, काफ़ी बंदर है, कम से कम 100-150 से ऊपर बंदर है, पूरा चारों तरफ बंदर, डर भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि काट ले नहीं, बंदर काफ़ी बंदर है पूरा, इधर से उधर हम लोग को देख के खुद उक रहा है, डर रहा है। दोस्तों फाइनली हम लोग घूम लिए शेरगढ़ का किला, दोस्तों अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, दोस्तों काफ़ी अच्छा व्यू आता है, दोस्तों एंजॉय करने को भी काफ़ी मिलेगा, दोस्तों ये शेरगढ़ का किला, दोस्तों आप लोग भी जरूर एक बार आइए, दोस्तों रोहतास सासाराम में बिहार में सासाराम रोहतास में आए हुए हैं, यहाँ पे करमचंद के पास बोटिंग वोटिंग किया है, यहाँ पर पहाड़ पे भी गए थे, किला पे घूमे, काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे भैया मिल गए, अंकल लोग मिल गए, काफ़ी फैमिली की तरह इनसे बातचीत करके अच्छा लगा। क्या नाम है आपका भैया बता? रशीद फारूकी नाम है, अंकल मिल गए, अंकल आपका क्या नाम है? नाम क्या? शमशेर नाम, और काफी अच्छा लगा, एकदम लगा कि अपने फैमिली की तरह बात किए हैं, पूरा हम लोग किला उला सब घूमे, काफी अच्छा लगा फैमिली की तरह। करमचंद के पास बोटिंग किए थे, ये पहाड़ पे भी गए थे किला पर, तो यहाँ पे अब हम लोग वापस जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भैया लोग मिल गए हैं, बातचीत करके इनसे काफी अच्छा लगा। ये हम लोग के चैनल, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किए हैं, भैया अपना नाम बता दीजिए। हर्ष नाम हुआ भैया का, भैया भी सासाराम के लोग यहाँ प्रॉपर हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ? गौरव। ये भैया ये मुजफ्फरपुर में मेरे होम टाउन में ये MIT कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं, ये BTEC किए हुए हैं, काफी अच्छा लगा भैया से बात करके। और ये बड़े ये भी भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा अंशु नाम हुआ। अंशु नाम हुआ, इनसे भी बात करके अच्छा लगा काफी। ये आप तीनों आदमी यहाँ के प्रॉपर सासाराम से ही, भैया लोग प्रॉपर सासाराम से यहाँ से निकल रहे हैं, अभी तो टाइम 6 बज गया है, काफी लेट हो गया यहाँ। चलिए दोस्तों ब्लॉग को एंड करते, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते, तब तक के लिए बाय।